स्टार्ट करते हैं। ये जो शीट है, ये जो मैंने एग्जांपल की शीट लिखी हुई है, ये एनसीईआरटी की है। पहले बता दूं, एनसीईआरटी की शीट में न्यूमेरिकल कैसे लिखे हुए हैं और कैसे आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है और इसके ऊपर फोर्स कितनी लगी, 20 N। ये बॉडी मूव करती है और 10 सेकेंड तक मूव करती है, 10 सेकेंड तक मूव करती है। आपको इसमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी एट दी एंड ऑफ 10 सेकेंड। तो 10 सेकंड के बाद मुझे क्या निकालनी है, यहां पर वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, v इक्वल टू u प्लस at, पर a मेरे पास है नहीं, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। से एक्सेलरेशन आएगी, v इज इक्वल टू u प्लस at में u 0, एक्सेलरेशन पता है, टाइम 10 पता है, वेलोसिटी आएगी और फिर काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। तो पहला एग्जांपल क्लियर है कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आई तो क्या करना है। दूसरे टाइप के एग्जांपल में आपको गिवन है कि आपने एक ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक पे फोर्स लगाई 7 N और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 1.96 N गिवन है और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई। आपको ये बताना है फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। इसमें अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है, 7 N। तो 7 N ने कितना वर्क डन किया 10 सेकेंड में। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन, नेट फोर्स क्या है, इसमें बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज नेट फोर्स। नेट फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो नेट फोर्स आ गई, नेट फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन। 10 सेकंड में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में 126 मीटर, 126 मीटर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसकी। पहला पार्ट, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकालो। अप्लाइड फोर्स कितनी है, 7 N। तो फोर्स में क्या पुट करेंगे, 7 N इंटू 126 आंसर। दूसरा पार्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में जो फोर्स पुट करेंगे वो कौन सी पुट करेंगे, फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट 126, आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव लगा लेना क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आ रहा है, अगर अप्लाइड फोर्स है तो अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की फोर्स। नेक्स्ट है वर्क डन बाय नेट फोर्स। अब नेट फोर्स हमने कितनी निकाली थी, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स कितनी, 5.04। तो यहां पर 5.04 इंटू 126, ये भी क्लियर है। और लास्ट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने की है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट फोर्स ने इतना वर्क डन किया तो काइनेटिक एनर्जी का वर्क डन चेंज भी यही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। ठीक, नेक्स्ट है, क्योंकि चैप्टर का नाम है वर्क पर एनर्जी, वर्क हो गया, एनर्जी होगी, पावर रह गई, पावर क्लोज कर देते हैं। वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, खत्म, चैप्टर क्लोज, एक डेफिनेशन ही रह गई थी। ठीक है, तो एक मशीन है, दो क्रेन्स हैं और दोनों क्रेन को एच हाइट पर एक ब्लॉक को उठाना है और दोनों अगर एच हाइट तक ब्लॉक को उठाएंगी तो वर्क डन क्या करेंगी, एमजीएच। एक ने कम समय में किया, एक ने ज्यादा समय में किया, वर्क डन दोनों ने सेम किया। तो अगर वर्क डन सेम किया, टाइम टेकन एक का कम है तो पावर उसकी ज्यादा है और जिसका टाइम टेकन ज्यादा है तो पावर उसकी कम है। तो यानी कि जो गाड़ी हैं, कार्स हैं, गाड़ियों में सबने मान लो 3-4 गाड़ियाँ हैं, मारुति 800 भी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, सब ने दिल्ली जाना है, 250 किलोमीटर कवर करने हैं, मारुति 800 जाएगी नहीं जाएगी, वो भी उतना ही वर्क डन करेगी, बड़ी गाड़ी भी उतना ही वर्क डन करेगी, एरोप्लेन भी उतना ही वर्क डन करेगा, ट्रेन भी वही वर्क डन करेगी, एमजी जो भी वर्क डन है, पर प्लेन जल्दी करेगा, मारुति 800 लेट करेगी, साइकिल वाला और लेट करेगा। तो टाइम टेकन जितना ज़्यादा लगाएगा पावर उतनी कम हो जाएगी। तो इसीलिए बड़ी गाड़ियों की पावर इंजन जो है वो पावरफुल हैं क्योंकि वो काम जो करते हैं बहुत कम टाइम में करते हैं। अपने ब्रेन्स के साथ भी है, कई लोग वर्क एनर्जी पार 4 घंटे में ख़त्म कर लेंगे, कोई 4 दिन नहीं ख़त्म करेगा, काम तो वही करेगा, शीट तो वही कर रहा है,
जो चार घंटे में खत्म कर रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, हम कहते हैं उसकी ब्रेन की पावर ज्यादा है, और किसी की ब्रेन की पावर का मैं काम सबको उतना ही करना है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो पावर का क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, एक पंप है, पानी का पंप है, और टैंक लगा हुआ है घर के ऊपर। टैंक पंप जो है उसकी एफिशिएंसी 30% है। एफिशिएंसी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल को ईटा बोलते हैं, एफिशिएंसी का सिंबल ईटा होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100। एफिशिएंसी क्लियर है, याद हो गई, कोई भी मशीन आउटपुट पावर इनपुट पावर इनटू 100। अब वो कह रहे हैं कि ये जो टैंक है वो 30 मीटर क्यूब का टैंक है, ये पंप इसमें 30 मीटर क्यूब पानी भरेगा, 15 मिनट में भरेगा। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम बाय द पंप, ये पंप कितनी बिजली की फॉर्म में पावर हमसे लेगा ये बताओ, क्योंकि चलेगा तो बिजली से। तो ये बताओ कि जो बिजली की पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है, वो इनपुट पावर काउंट होगी कि आउटपुट पावर काउंट होगी, इनपुट है कि आउटपुट है। कितने लोग बोलते हैं कि इनपुट है, कितने बोलते हैं आउटपुट है। मतलब मैं पंप लेके आऊँगा, मार्केट से चलते हैं, पंप लेके आते हैं, बिजली की पावर आउटपुट है, वो हमें बिजली देगा, वो पानी नहीं भरेगा, वो बिजली हमसे वो बिजली लेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो लेगा, करेगा क्या, पानी को ऊपर चढ़ाएगा। पानी को ऊपर चढ़ाना आउटपुट है, इलेक्ट्रिकल पावर लेना हमसे इनपुट है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पंप आउटपुट बिजली नहीं देता, काम करके देगा हमें, राइट? तो पंप क्या काम करके देगा, 40 मीटर पे टैंक लगा हुआ है, MGH हाइट पे पानी को चढ़ा देगा। तो MGH इसका अमाउंट ऑफ वर्क डन है। तो अगर मैं कहूं कि आउटपुट वर्क डन कितना है पंप का, आप क्या बोलेंगे, MGH। अमाउंट ऑफ वर्क डन आउटपुट कितना है, MGH। और आउटपुट पावर कितनी है, MGH को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि एफिशिएंसी का फॉर्मूले में एफिशिएंसी 30% है, 30/100। आउटपुट पावर क्या है, MGH बाय टाइम, और इनपुट पावर इलेक्ट्रिकल है, वो मुझे निकालनी है। तो क्या ये डेफिनेशन समझ में आ गई, एफिशिएंसी पुट कर दी, आउटपुट में पानी ऊपर चढ़ेगा तो MGH बाय T, इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे निकालनी है। तो अगर मैं आपको MGH और T बता दूं, आंसर आ जाएगा, टाइम मुझे गिवन है 15 मिनट, सेकंड में मैं कन्वर्ट कर लूंगा, टाइम मुझे गिवन है, हाइट मुझे 40 मीटर गिवन है, जी मुझे 9.8 पता है, मुझे क्या नहीं गिवन, मास, पानी का मास नहीं गिवन, पर मास की जगह मुझे क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, पानी का वॉल्यूम गिवन है। पानी की जो डेंसिटी है वो याद रखनी है, SI और CGS में गिवन नहीं होती, SI में 1000 kg पर मीटर क्यूब, CGS में 1 होती है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मास निकालेंगे। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 30 है, डेंसिटी 1000 है, तो ये आपका मास आ गया, ठीक हो गया, आंसर आ गया, मास आ गया, जी पता है, एच पता है, टाइम पता है, एफिशिएंसी पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनपुट पावर आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा एफिशिएंसी का, समझ में आ रहा है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100, क्या ये स्टेप क्लियर है, ठीक है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे सपोज आप इस क्वेश्चन को करें, मान लो आपको एक पेंडुलम गिवन है, ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम को h इज इक्वल टू 10 मीटर से मैंने रिलीज किया, ये हाइट कितनी है, 10 मीटर हाइट है, ये 10 मीटर हाइट है। तो आपको यह बताना है कि जब पेंडुलम यहां से क्रॉस करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। पेंडुलम के क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में किए हमने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही किया था। तो क्या करेंगे, यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक
और नीचे सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक क्या करेंगे? एग्जैक्टली सेम. तो बोले पोटेंशियल यहाँ पर कितनी है? एम जी इंटू 10, और काइनेटिक क्या है? ज़ीरो. बॉटम पे पोटेंशियल क्या है? ज़ीरो. काइनेटिक क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. इक्वेट कर देते हैं, एम जी इंटू 10 इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर. मास से मास कैंसिल, यहाँ से सॉल्व करके क्या जाएगी? वेलोसिटी. मेथड समझ में आ रहा है? वही सर्कुलर मोशन वाला सेम कॉन्सेप्ट है. कोई डाउट इसमें? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें प्लीज. सपोज ये एक पेंडुलम है और पेंडुलम को, पेंडुलम की लेंथ 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है. इस पेंडुलम को मैंने यहाँ से रिलीज किया, एनर्जी ज़ीरो. आपको वेलोसिटी बतानी है यहाँ पर, कितनी वेलोसिटी से ये पेंडुलम क्रॉस करेगा. क्वेश्चन तो सेम ही आपका हो गए, लेकिन एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है, नॉर्मली एनर्जी यहाँ यहाँ बराबर होती है, सबको पता है. यहाँ एयर की रेजिस्टेंस है और एयर की रेजिस्टेंस ने क्या किया, 10% एनर्जी लॉस कर दी. यहाँ जो भी एनर्जी थी नीचे आते 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 10% लॉस हो गया. अब बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि अगर लॉस ना होता तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक वहां पर और यहां पर एग्जैक्टली क्या हो जाता? सेम. पर यहां पर लॉस है, तो अब क्या करेंगे आप? पहले ये चेक करेंगे यहां पर एनर्जी है कौन सी, कौन सी एनर्जी है? एम जी इंटू एच, ये एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक तो यहां पर ऑब्वियसली क्या है? जीरो. और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है? हाफ एम वी स्क्वायर. तो जब ये पेंडुलम चला था तो एनर्जी क्या थी? एम जी इंटू 1.5. कोई डाउट? इतनी एनर्जी थी, नीचे आते 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 10% लॉस हो गया, तो बची कितनी? 90%. तो जितनी एनर्जी थी उसका 90% ही काइनेटिक में कन्वर्ट हो पाएगा, 100% नहीं हो पाएगा. तो रूल समझ में आ रहा है? तो एनर्जी थी एम जी एच, इसका 10% लॉस हो गया, तो इसका कितना बचा? 90% वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और वी कैन बी कैलकुलेटेड. तो क्या आपको रूल समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है आपने इसमें? तो अगर कोई लॉस नहीं है, एनर्जी इक्वल कर दो, लॉस है कैलकुलेट कर लो. तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने यहीं पे किए हुए हैं. पहला क्वेश्चन ये बिना लॉस के, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. और दूसरा क्वेश्चन लॉस के साथ कि 5% ऑफ इनिशियल एनर्जी लॉस हो गया, वेलोसिटी निकालो. 5% लॉस का मतलब इनिशियल एम जी एच थी, बची कितनी? 95%. तो 95% ऑफ एम जी एच किस में कन्वर्ट होगा? हाफ एम वी स्क्वायर में. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो यहाँ से वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है यहाँ तक? ये हमने किया. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर. मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड करेंगे तो न्यूमिनेटर क्या बनेगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर. एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होता है? मोमेंटम स्क्वायर. ये मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m. लास्ट टाइम किया था, इस पर न्यूमेरिकल भी किया था. ऐसा बहुत आते हैं न्यूमेरिकल कि अगर मोमेंटम को डबल कर दें तो परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी. तो अगर मोमेंटम पहले पी है तो एनर्जी e1 है, अगर मोमेंटम डबल कर दिया 2p तो एनर्जी e2 हो गई. परसेंटेज चेंज एनर्जी निकालनी है तो e2 माइनस e1 बाय e1 इंटू 100. e2 पता है, e1 पता है, e1 पता है, वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करके आंसर आएगा. मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें? हमने लास्ट टाइम भी मोमेंटम और एनर्जी के क्वेश्चंस किए थे, एक और क्वेश्चन ऐड हो गया इसमें. ठीक है, जैसे अगर फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो वर्क डन एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे आंसर आएगा. नेक्स्ट है, ह्यूमन हार्ट डिस्चार्जेस 75 ml ऑफ ब्लड एट ईच बीट. एक बार बीट करता है हार्ट, 75 ml ऑफ ब्लड बाहर निकाल देता है. आगे प्रेशर जो है हार्ट का 0.1 meter ऑफ मरकरी है. आपको कि ये कैसा प्रेशर है? प्रेशर तो फोर्स बाय एरिया होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. मैं बताता हूँ ये प्रेशर क्या होता है. फ्रीक्वेंसी 80 beats per minute है, एक मिनट में 80 बार हार्ट जो है वो बीट करता है. एक बीट में 75 ml निकालता है, तो 80 बीट में 80 × 75 ml निकालेगा. फाइंड पावर ऑफ द हार्ट, और डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको गिवन है.
अब ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि ये कैसा क्वेश्चन है यार, हार्ट बीट कर रहा है, प्रेशर क्या है। हम दो चीज़ें नहीं सीखते हैं इसमें। पहली, प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये प्रेशर चैप्टर आएगा उसमें बताया जाएगा। जैसे अगर प्रेशर गिवन है 0.1 मीटर ऑफ मरकरी, इसको सही तरीके से ऐसे लिखा जाता है 0.1 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन है और जी 9.8 है, तो प्रेशर ऐसे कैलकुलेट होता है। जैसे कल को एक और न्यूमेरिकल आ गया, उसमें गिवन है प्रेशर 0.1 मीटर ऑफ वाटर, तो 0.1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, तो ऐसे प्रेशर सही निकलेगा। तो पहला स्टेप समझ में आ गया, प्रेशर की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो प्रेशर अगर मीटर्स में गिवन है तो उसको कैसे सही करके लिखना है, पहला पॉइंट क्लियर है। और दूसरा पॉइंट भी समझ लो, लिक्विड और गैसेस में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मैं क्या मतलब, अगर मैं कहूँगा एक बाल्टी भर के पानी लेके आता हूँ और वर्क डन बताओ कितना किया, पानी गेरूँ ज़मीन पे, पानी गेरूँगा और पानी की डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, कैसे निकलेगी, ऐसे थोड़ी ना। या जैसे गैस है, पिस्टन है, गैस है, सिलेंडर है, प्रेशर लगा रही है गैस, तो पिस्टन ऊपर उठ गया तो गैस ने कितना वर्क डन किया उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लिक्विड और गैसेस का वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है उसका तरीका देखो। वर्क डन की जो वैल्यू है, वर्क डन की जो वैल्यू है वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। और वर्क डन का एक और फॉर्मूला है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम लिक्विड और गैसेस के लिए यूज करते हैं, केमिस्ट्री टीचर सिखाएंगे आपको प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया इनटू क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम एरिया किसमें मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम किसमें, मीटर का क्यूब, कैंसल, फोर्स इनटू मीटर, फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्या आ गया, वर्क डन। तो आप याद रखेंगे लिक्विड्स में और गैसेस में वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका प्रेशर इनटू वॉल्यूम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक। तो इसके अंदर प्रेशर तो आपने निकाल दिया 0.1 इनटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू जी, डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन है, जी गिवन है। एक बीट में वर्क डन कितना होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर हमने निकाल लिया और वॉल्यूम 75 ml हमें गिवन है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, एक बीट का वर्क डन आ गया। 80 बीट्स का वर्क डन करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क डन को 80 से, तो 80 बीट्स का वर्क डन आ गया। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, और 80 बीट्स कितनी समय में हुआ, एक मिनट में, एक मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो वर्क डन को 60 से डिवाइड किया, पावर आ गई। है तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, बट अलग सी प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मल हटके प्रॉब्लम है, तो ये मैंने इसलिए करवा दी ताकि आप डाउट्स की फॉर्म में लेके ना आए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि इसमें दो नई चीज़ें हैं, हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है यहाँ तक। इसके अंदर ये एक और क्वेश्चन था साइक्लिस्ट वाला, ये रहा, मैन साइकिल्स अप अ हिल, स्लोप 1 in 20, जब ऐसा लिखा हो ना स्लोप 1 in 20, इसका मतलब साइन थीटा 1/20 होता है। तो साइकिल वाला साइकिल चलाते हुए हिल के टॉप पे जा रहा है, वेलोसिटी 6.4 किलोमीटर पर आ रहा है, वेट ऑफ द साइकिल 98 kg है, वर्क डन निकाल लो 60 सेकंड में कितना है। तो सबसे पहली चीज, जब ये साइकिल वाला ऊपर जाएगा कौन सी फोर्स नीचे ऐड करेगी, एम जी साइन थीटा, तो वो कम से कम ऊपर जाने में कितनी फोर्स लगाए, एम जी साइन थीटा, ताकि वो ऊपर जाए। चलो एक्सेलेरेट नहीं करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कम से कम फोर्स क्या लगाएगा ऊपर, एम जी साइन थीटा। तो पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो बॉक्स में डालो पावर का एक नया फॉर्मूला, फोर्स इनटू वेलोसिटी, बॉक्स में डालो पावर का फॉर्मूला एक नया आ गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो साइकिल वाले के लिए फोर्स कितनी लग रही है, एम जी साइन थीटा, और वेलोसिटी कितनी है, गिवन है। तो एम पता है, जी पता है, साइन थीटा पता है, वेलोसिटी पता है, तो क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी साइकिल वाले की। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, उसने क्या पूछा, वर्क डन, तो वर्क डन इज पावर इनटू टाइम, आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, कोई डाउट इसमें।